अब जंग का एक और मैदान खुल गया है और इस बार ये इजराइल या हमास नहीं है, इस बार है पाकिस्तान और ईरान के बीच में। सबसे पहले खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूं और उसके बाद आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूं कि कैसे अपनी एक गलती से पाकिस्तान, जिसकी हालत पहले से ही बहुत खराब है, जिसे एक वक्त ऐसा भी आया कि कोई लोन देने को तैयार नहीं था, वहां पर रोटी आटे के लिए लड़ाई हो रही थी, और वही पाकिस्तान अब एक गलती से महाभिखारी हो सकता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और इस वक्त जो खबर सामने आई है पाकिस्तान और ईरान के बीच एक नए युद्ध का मोर्चा खुल जाने की, इस वीडियो के आखिर तक आप जरूर समझ जाएंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। शुरुआत में करती हूं, सबसे पहले खबर आपको बता देती हूं। खबर ये सामने आई कि ईरान पर हमला किया, सबसे पहले पाकिस्तान पर हमला किया गया ईरान की तरफ से, और उसके बाद पाकिस्तान ने एक दिन के बाद, और जो बहुत खतरनाक खबर आग की तरह फैली, फिर पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया उस पर आने लगी, खबर यह थी कि फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की और वहां पर अटैक कर दिया। अब सवाल आपके मन में यह भी होगा, अगर आप युद्ध से जुड़ी हुई जानकारी रखते हैं, कि अगर पाकिस्तान और ईरान दोनों का दुश्मन एक है यानी कि अलगाववाद, तो फिर आखिर इन दोनों के बीच में वो देश जो कट्टर इस्लामिक देश माने जाते हैं, तो फिर वो आपस में ही आखिर क्यों लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ईरान की तरफ से हमला करते हुए यह कहा गया कि वो हमला पाकिस्तान के लोगों पर नहीं कर रहा है, वो तो वहां के आतंकी संगठन पर कर रहा है, उस आतंकी संगठन पर जिसे पाकिस्तान ने पाल पोसकर बड़ा किया है, यानी कि पाकिस्तान उसे इस वक्त शरण दे चुका है। अब जब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान की तरफ से भी यही कारण सामने आया, लेकिन क्या ये सच में है? अब चूंकि जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई है तो वहां पर मौत की भी खबर मिल रही है, ये आंकड़ा 9-10 के करीब है। अब इन सबके बीच में ये समझना जरूरी है कि इसका इतिहास भी क्या कहता है। दरअसल एक समझौता है जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, और वो समझौता है गैस पाइपलाइन को लेकर। ईरान और पाकिस्तान, अगर मैं आपको ऐसे और सरल भाषा में समझाऊं, तो आपस में लगभग 900 किलोमीटर की सीमा है जो दोनों आपस में शेयर करते हैं, साझा करते हैं। अब आप ऐसे समझिए, एक बलूचिस्तान ईरान की तरफ है और एक बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरफ है, और जब हमला किया गया तो यहीं पर किया गया है। अब ये जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है, यहां पर लंबे समय से, इससे पहले भी कई बार संघर्ष होता हुआ हमने देखा है। अब एक आतंकी संगठन जिसका नाम इस वक्त, इस युद्ध के बाद या इस एयर स्ट्राइक के बाद सुर्खियों में आया, वो कौन सा नाम है? जैश ए बदर। और ये आतंकवादी संगठन है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं। इस पर पाकिस्तान पर इसी आतंकवादी संगठन को शरण देने का आरोप है, पालने पोसने का, बढ़ाने का आरोप है, जो पाकिस्तान पर इससे पहले भी लगते रहे हैं आतंकवाद को समर्थन करने के आरोप। तो ये जो आतंकवादी संगठन है, 2012 में इसकी स्थापना होती है और 2023 में ये वहां पर ईरान पर एक हमला भी करता है, उसी इलाके में जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, और वहां पर जो पुलिसकर्मी थे उनकी मौत भी हो जाती है। अब वो ये कहता है, ये संगठन जो आतंकवादी संगठन है, वो ये कहता है कि वो वहां के लोगों की स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़ता आया है और उसी दिशा में ये इस तरीके के हमले करता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 2013 से वहां पर जो बलूचिस्तान वाला जो इलाका है, जो ईरान वाला इलाका है, वहां पर ये हमेशा से एक्टिव रहा है, और इससे पहले भी कई सारी ऐसी खबरें इसी संगठन से जुड़ी हुई सामने आई। अब ईरान ने एयर स्ट्राइक करते हुए ये कहा कि हमने टारगेट इस आतंकवादी संगठन को किया था, यानी कि दोनों ने एक दूसरे पर आरोप क्या लगाया, कि आरोप ये कि आप दोनों ही आतंकवाद के मामले में, आतंकवाद को रोकने में विफल हो गए हैं। अब सच्चाई एक ये भी कहती है कि एक समझौता है गैस पाइपलाइन को लेकर, इस समझौते को पूरा करने के लिए इससे पहले कई बार ईरान पाकिस्तान को नोटिस तक दे चुका है। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि समझौते के तहत कहा क्या गया था। 2012 अक्टूबर का वो वक्त था जब इस समझौते को किया गया, और पाकिस्तान की तरफ से 2014 दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात की गई, लेकिन हुआ क्या, वो अधर में लटक गया, वो पूरा नहीं हो पाया। ईरान इसको लेकर कई बार नोटिस जारी कर चुका है, इसको लेकर कानूनी लड़ाई करने की भी चेतावनी दे चुका है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर पाकिस्तान इसको अधर में लटकाए रखता है,
अगर पाकिस्तान इस परियोजना को, ये जो प्रोजेक्ट है उसे पूरा नहीं करता है, तो 18 अरब डॉलर का जुर्माना पाकिस्तान को चुकाना होगा। ये वो पाकिस्तान है जहां पर आटे रोटी के लिए लड़ाई हो रही है, तो आप सोचिए कि ये इतना बड़ा कर्जा चुकाएगा कैसे। अब ऐसे में जब आखिरी नोटिस दिया गया था ईरान की तरफ से, तब 2024 में मार्च अप्रैल के समय में तैयार रहने को कह दिया गया था 18 अरब डॉलर जुर्माना भरने के लिए। अब ऐसे वक्त में जब जनवरी का महीना है, यानी कि 2024 है, मार्च अप्रैल का वक्त आने ही वाला है, तो अब ऐसे वक्त में अटैक करना ये भी कनेक्टेड है। अब देखिए, चूंकि मैं और आपको गहराई में इसको समझाने की कोशिश करूं, तो ईरान और पाकिस्तान, पाकिस्तान सुन्नी और जो ईरान है वो शिया। अब बताया ये जाता है कि वहां पर, यानी कि ईरान पर, जो बलूचिस्तान का जो इलाका मैंने आपको बताया, जहां से 900 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है, वहां का जो बलूचिस्तान है, वहां पर जो मुसलमान रहते हैं वो सुन्नी है। अब वहां हमेशा से कहते आए हैं वो, समय समय पर हमने वहां से देखा है, वो भेदभाव का आरोप लगाते रहे हैं कि चूंकि हम सुन्नी है इसीलिए हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। अब ये जो जैश अल अदल आतंकवादी संगठन है, वो इसी नाम पर, जो जिस पर आरोप पाकिस्तान पर है उसे पालने पोसने का, अब वो इन्हीं की स्वतंत्रता की बात करते हुए बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि ईरान के इस इलाके पर अटैक करता है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि भाई हम तो आतंकवादियों के खिलाफ ये जो हमने एयर स्ट्राइक की है वो की है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या इसके पीछे ये बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी भी अधर में लटका हुआ है, ये तो बड़ा कारण नहीं है? तमाम सवाल है। अब इन सबके बीच में आपके मन में एक सवाल ये भी होगा, हिंदुस्तानी होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, कि अब देखिए, जब दुनिया में कोई भी युद्ध होता है तो तमाम देशों पर भी इसका असर पड़ता है, तो अब ऐसे वक्त में इस वॉर का या इस वॉर फ्रंट का भारत से क्या लेना देना है, या भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपका सवाल यह है तो इसका जवाब भी जरा सुन लीजिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात को दोहरा दिया है कि भारत की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन यह भी कहा है कि अपने आप की रक्षा करने का अधिकार हर देश को होता है। मैं आपको ये बता दूं कि चाहे कोई भी मोर्चा हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, भारत हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद को लेकर रखता आया है, और एक बार फिर से यही हुआ। भारत, मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान को लेकर बहुत मुखर होकर यह कहता है कि भारत पाकिस्तान से तब तक अच्छे रिश्ते नहीं रख सकता जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालना पोसना बंद कर दे। और बहुत मौके ऐसे रहे हैं कि जब आतंकवादियों से जो कनेक्शन जुड़ता है वो पाकिस्तान का ही आखिर में जाकर जुड़ जाता है। अब ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और ईरान के बीच में ये युद्ध की शुरुआत हो गई है, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, तो भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है कि अगर ये आतंकवाद के समर्थक है तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो देश जाने और उनका काम जाने, बहुत देसी भाषा में। अब इन सबके बीच में सवाल ये भी है कि क्या आने वाले समय में पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक बड़ा युद्ध होता हुआ भी दिख सकता है क्या? मैं आपको बता दूं, इसका डिप्लोमेटिक आंसर दिया गया है इन्हीं दोनों देशों की तरफ से कि हमारी लड़ाई तो आतंकवाद के खिलाफ है, यानी कि वो आतंकवादी संगठन जिसका मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, जो ईरान कह रहा है, और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी बदला लेते हुए, यानी कि जो एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई उसको करते हुए यही कहा गया। लेकिन क्या सच में बस इतनी सी कहानी है, या इसके पीछे वो बड़ी जो गैस पाइपलाइन परियोजना है जिसको पूरा करने का दबाव इससे पहले भी ईरान बनाता रहा है? अब सवाल ये भी है कि जब संदेश यहां से दे दिया गया है, पहले वहां से हमला किया गया, फिर पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान में चुनाव होने हैं। अब ऐसे वक्त में अटैक, अब देखिए, आने वाले चुनाव पर बहुत बड़ा असर डाल सकता था, इसीलिए माना यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने इतनी त्वरित तरीके से कार्रवाई कर दी। लेकिन क्या पाकिस्तान इसे समझ जाएगा कि यह इशारा है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जो अधर में लटका हुआ है? और अगर समझ जाएगा तो पहले से कंगाल हो चुका पाकिस्तान इसे पूरा कैसे करेगा, क्योंकि उसे कर्ज देने को कोई तैयार नहीं है, और पाकिस्तान की खुद की हालत कितनी माली कितनी खराब है ये पूरी दुनिया जानती है। अगर मैं इन दोनों देशों का कंपैरिजन भी आपको बताऊं तो ईरान ज्यादा ताकतवर भी है, ईरान ज्यादा अमीर भी है पाकिस्तान से। तो अब पंगा तो ले लिया है पाकिस्तान ने, तो फिर अब इसको पूरा कैसा करेगा? अब जो ये परियोजना जिसे 2014 में पूरा हो जाना था, 2024 हो गया है, तो क्या अभी ये पूरा कर पाएगा? इन सब पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। अगर आप युद्ध से जुड़ी हुई खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो आप कॉमेंट करके भी जरूर बताइए आपकी राय इस वीडियो को लेकर या इस युद्ध को लेकर क्या है, ये भी आप कॉमेंट करके जरूर बताइए।